दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर फेंका गया पत्थर, 2 महीने में तीसरी घटना। वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक बार फिर पथराव किए जाने की घटना सामने आई है। बुधवार को इस पर पत्थर फेंका गया जिससे इसकी खिड़की के शीशे टूट गए। भारत की सबसे तेज रेलगाड़ी के साथ 2 महीने में ऐसी तीसरी घटना हुई है। यह पहली बार है जब संचालन शुरू होने के बाद ट्रेन पर पत्थर फेंका गया हो। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि रेलगाड़ी टुंडला स्टेशन पार कर रही थी तभी यह घटना घटी। बता दें कि इस सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी का संचालन 17 फरवरी से आम लोगों के लिए शुरू हुआ है। इससे पहले दिल्ली और आगरा के बीच पिछले साल दिसंबर में ट्रायल रन के दौरान भी रेलगाड़ी पर पत्थर फेंके गए थे। उस महीने में इस तरह की एक और घटना हुई थी। पथराव की पहली घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल RPF ने उन इलाकों में अभियान की शुरुआत की थी जहां रेलगाड़ी पर पथराव किए गए थे। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।